मेरा नाम परिधि जैन है। मैं एजुकेशन ऑफिसर हूँ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है। 1883 में लॉन्च हुई थी और अभी 155 कंट्रीज़ में इसके मेंबर्स हैं। तो हमारा जो एम है वो कॉन्जर्वेशन है। इसके दो एजुकेशन सेंटर्स हैं, CEC मुंबई गोरेगांव, और जो सबसे नया सेंटर है वो है CEC दिल्ली, जो कि 2005 में शीला दीक्षित और BNHS के जॉइंट कोलैबोरेशन में स्टार्ट हुआ था। तो हम जो इको डेज होते हैं, एनवायरनमेंट डे होते हैं, पर्यावरण दिवस, अर्थ डे जो होता है, स्पैरो डे, वाइल्ड लाइफ डे पे इवेंट्स करते हैं स्कूल्स के लिए, कॉलेज, कॉर्पोरेट्स और फैमिलीज के लिए। तो क्योंकि आज पर्यावरण दिवस था तो हमारा अशोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इवेंट हुआ था वॉलंटियर फॉर हैबिटेट रिस्टोरेशन, जिसमें हमने लोगों को बुलवा के यमुना पे मूवी दिखाई थी। यमुना की जो अभी हाल हो रहा है, जो पानी का भी क्रिस्टल क्लियर हुआ करता था, आज उसकी बहुत बुरी हालत है, उसमें आप नहा भी नहीं सकते। तो उसमें सीवेज डंप होता है, उस पर हमने उन्हें मूवी दिखाई थी, प्रेजेंटेशन दिया था पर्यावरण दिवस पे कि हमें क्या करना चाहिए, और पूरी मतलब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर कहीं पे पॉलीथीन्स हैं उन्हें क्लीन करवाई, और नीम की सैपलिंग्स को हमने प्लांट करवाया था। तो बेसिकली हमारा एम यही है, कॉन्जर्वेशन करना और अवेयरनेस फैलाना, और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो मैसेज है ज़्यादा से ज़्यादा फैले। तो हमारा फेसबुक पेज है, उस पर आप जुड़ सकते हैं, CEC BNHS दिल्ली, और हम ऑनलाइन कैंपेनिंग करते हैं। हम यही है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क फैले, और पर्यावरण दिवस है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप आपका जो उत्तरदायित्व है वो उसको समझें, और कि पर्यावरण किस तरह की से खतरे में है, हमारी मदर अर्थ को खतरा पहुंच रहा है। तो पेड़ अगर कहीं कट रहे हैं तो उन्हें जाकर रोकें, पॉलीथीन्स कहीं यूज़ हो रही है तो उसकी जगह पेपर बैग्स या क्लॉथ बैग्स यूज़ करें, कार पूलिंग करें, कार्स की जगह आप साइकिल कर सकते हैं, अगर या पास में कहीं जाना है तो आप खुद पैदल चल के जा सकते हैं। फिर दिवाली पर अगर आप पटाखे फोड़ते हैं तो उससे बहुत पॉल्यूशन होता है, उसकी जगह अगर आप किसी को सैपलिंग गिफ्ट करेंगे, ग्रीन दिवाली मनाएँ, दिए जलाएं, तो बेटर होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को फैलाएं। और यमुना सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगी, यमुना में जो हमारी दिल्ली की लाइफलाइन है उसमें सिवेज और गार्बेज को डंप ना करें, और अगर हो सकता है तो गर्मियों के दिनों में स्पेशली, क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है और पानी का बहुत शॉर्टेज हो गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवाइए। तो यमुना को बचाने में आपका जो भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप अवेयरनेस फैला सकते हैं, ज़रूर करिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, BNHS का मेंबर बनना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल पे ccbnhsdelhi@gmail.com पे, और हमारे इवेंट्स जो होते हैं एनवायरनमेंट डे, अर्थ डे पे, उन सब पे आप आ सकते हैं। हम बेसिकली जो भी आता है, हमारा यही एम है कि एक इको वॉरियर या एनवायरमेंटलिस्ट तैयार करे और बन के जाए। रूरल एरियाज़ के लिए अभी तक हमने इस तरह का कोई एनवायरनमेंट प्लान नहीं बनाया है, लेकिन हम जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जैसे कि हम नजफ़गढ़ में अभी आए हैं, और सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी और ओखला के आसपास के जो गांव हैं, हम वहां पे वॉक्स करवाते हैं बच्चों के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाते हैं। और जो इको डेज होता है, जैसे कि मैंने कहा, उस दिन हमारा फ्री इवेंट्स चलते हैं, बाकी हमारे पेड इवेंट्स होते हैं, तो ऐसे गाँव के एरिया में हम वॉक्स करवाते हैं। मेन हमारा फोकस रहता है इवेंट पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, उन्हें अवेयरनेस फैलाए। और जैसा कि आपने कहा कि आजकल गांव में जहां पहले बहुत वाटर बॉडीज़ हुआ करती थी, लेक्स हुआ करते थे, आजकल वो सब ख़त्म होते जा रहे हैं, कि जैसे कि शहरों में सब तरफ बिल्डिंग्स बन गई हैं, आजकल गांव में भी बहुत सारी मतलब झोपड़ियां गायब होती जा रही हैं, और अब घर बनते जा रहे हैं, तो वो वाटर बॉडी सूखती जा रही हैं या वो पल्यूट होती जा रही हैं। तो इसके लिए हमारे कुछ रिसर्च सेंटर्स चल रहे हैं, जो इन पे काम कर रहे हैं। बेसिक अगर आप अपने ये बात बताया है तो हम ज़रूर अब रूरल एरियाज़ पे भी फोकस करेंगे। अभी तक हमारा जो एजुकेशन सेंटर है मेनली जो है जो प्लानिंग है, एनवायरमेंट प्लानिंग, अर्बन जो दिल्ली है उस पर फोकस कर रहा था, पर ये बहुत अच्छी बात है, और हम अभी गाँव में भी इसको प्रपोज करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।